उनकी तो पर्ची कटेंगी भाई, पूंजीपतियों से लेके तो कोई संगठन चलेगा नहीं। तो वो जो लोग कह रहे हैं ना, वो पूंजीपतियों के दलाल। नमस्कार, मैं आज तारीख हो गई 22 और टाइम बज गए सही 10:15। यानी यह है कि नेताओं के अंदर भी खलबली है और उन लोगों के अंदर भी खलबली है कि जिस दिन से कामरेड ओम प्रकाश का नाम आया है चुनाव टिकट के ऊपर, तो बड़ी गंभीर गंभीर विषय हो चुके और बड़े बड़े नेता आजकल बड़े बड़े स्टेज से कुछ बातें करने का काम करते हैं। अब वो बुझने की बात का कमरा साहब काम बात करो कमरा साहब से कि कमरा साहब, आपकी पार्टी पर्ची काटने वाली पार्टी बताई गई है, भट्ठों वालों की, मजदूरों की, तकबों की, तो क्या आप इस तरह के काम करके MLA बनोगे, किस लिए काम बनोगे, क्योंकि आपके लिए बयान आएंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। उनके बताने काम करा। अजय जी, आपकी आपका JNC का और दर्शकों का स्वागत है। देखो जी, हमारी यूनियनें हैं, कोई भट्टा मजदूर यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, किसानों की यूनियन है और महिलाओं की यूनियन है, विद्यार्थियों की यूनियन है, नौजवानों की यूनियन है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संगठन जनता के सहयोग के बगैर नहीं चल सकता। तो एसोसिएशन के मेंबर बनाने के लिए, सहयोग लेने के लिए, तो उनकी तो पर्ची कटेंगी भाई, पूंजीपतियों से लेके तो कोई संगठन चलेगा नहीं। तो वो जो लोग कह रहे हैं ना, वो पूंजीपतियों के दलाल हैं और बड़े बड़े धन्ना सेठों से पैसा लेके राजनीति करते हैं। हम जनता के बीच में रह के जनता से सहयोग लेके राजनीति करते हैं, इसलिए हम पार्टियां नहीं बदलते, सिद्धांत नहीं बदलते। उनका एक ही कार्यक्रम है, कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए उसी में जाना है, कोई सिद्धांत से लेना देना नहीं है उन्होंने, और वो अपनी जायदाद बनाना है। वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, अरे कोई एक पैसा तो किसी से लिया हो नौकरी में, वो सिद्ध तो कर दें, संगठन तो लोगों के सहयोग से चलेंगे। अब भी लोग दे रहे हैं हमें, हम कोई पैसा घर से नहीं लगा रहे, घर से लगाएंगे तो उससे दुगने कमाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। वो काम वो कर रहे हैं, वो उनका काम हम नहीं करते। वो बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसा आरोप लगाते हैं। इस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो इलेक्टर बोर्ड दे लेती हैं, आप पर्ची के माध्यम से चंदा ले लेते हो, लेकिन बदनाम आपको किया जा रहा है। वो ले तो वो राजा, अरे वो क्या बोले उसको, हरिचंद्र, और आप ले तो चंदाधारी बने जाते हैं। ये क्या बनाया, ये वो लोग हैं। एक बस में जो ना बस जा रही थी, एक भाई की जेब कट गई, कंडक्टर आ गया, कंडक्टर बोला भाई टिकट ले, उसने देखा बोला भाई साहब मेरी तो जेब कट गई, बोला भाई मुझे नहीं पता, टिकट ले ना नीचे उतर ले। वो जेब काटनी आ गई सी बैठ गया जाएगी। वो जब बस चली नहीं तो आके बोला यार भाई साहब के बात होगी, मैं दे दूंगा इसके 100 रुपये, यार तू बस न चालन दे। लोग बोले भाई बड़ा भला आदमी, देखो दूसरे का जो किराया दे रहा है, वो जेब काटनिया था, जो उसकी जेब काटनी है वो किराया दे रहा था। तो ये जेब काटनिए समाज सेवी भी बनते हैं, धर्मार्थ भी सेवा करते हैं, और पता नहीं लगता लोगों के, हम जेब नहीं काटते, ये लोग जेब काटते हैं। रमन साहब, जिस प्रकार से बड़े बड़े प्रदेश के चाहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बात करूँ, बड़े बड़े नेता की बात करूँ, वो आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अब किस प्रकार से अपने आप को लुभाने वादे करेंगे लोगों से, और क्या लोग उनके बात में आएंगे, या फिर वहाँ से हमें शहर को बचाने के लिए कोई मुहिम चलाएगा, शहर भी चलाएगा, आप जैसे लोग भी चलाएंगे? देखो अजय भाई, यहाँ 15 साल से शहर का कचरा बना रखा है, ना तो कोई सीवरेज की समस्या हल होती लोगों की, ना पीने के पानी की, ना कोई कानूनी व्यवस्था, जो ना चोरियां डकैती हो जाती हैं वो वसूल होती, व्यापारियों को डरा के, डॉक्टरों को डरा के फिरौतियाँ ली जा रही हैं। ये धंधे बंद करवाएंगे आज, इनके बस की बात नहीं, आप करवाएंगे जनता के सहयोग से। जनता अगर आशीर्वाद देगी तो एक बढ़िया शहर और शांतिपूर्ण शहर बनाएंगे, सब भाइयों का भाईचारा होगा, काम करने वाले इकट्ठे बैठेंगे। कमल साहब, जिस प्रकार से आज 22 तारीख है और आपके 10 बज चुके हैं, तो क्या माहौल आप देख रहे हैं, क्या बुद्धिजीवी भी है और आपके अंदर विवेकशील भी है, आपके अंदर सारी गुण है जो होने चाहिए, 16-16, 32-32 गुण है, तो क्या चुनाव का माहौल बन रहा है, क्या बताएं? देखो जी, शुरू में जो हमारे इंडिया गठबंधन ने टिकट दी थी, उस समय कुछ लोग ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि भैया टिकट तो कांग्रेस ने BJP को की तस्तरी में रख दी, थाली में रख दी। अभी 4-5 दिन से हमारा चुनाव जो उठा है, कल जो हमारी आलोचना की गई CM की रैली में, अब उनको ये चुनौती लग रही है कि भाई ये तो थाली में नहीं, ये तो जो ने
तीन टर्म में कांग्रेस से जो नहीं आ रहे थे लोकसभा में नहीं आते, अरे इबका जो ने इनकी हार निश्चित दिखाई दे रही है। फास बनेगी, बिल्कुल। लोगों क्या मुसलमान रहे मामा ने? देखो जी, लोगों से हम तो कई गांव में गए, आज बामड़ा में बड़ा जन समूह उमड़ के आया है जी, और कल कितलाना में, गोरीपुर में, अजीतपुर में जन समूह उमड़ के आया है, नीमड़ी वाड़ी में जन समूह उमड़, बाकी गांवों में भी अच्छे जल से हो रहे हैं, और शहर में जो गरीब बस्तियां हैं उनमें लोग जो ने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महिला शक्ति लोग, और ये कह रहे हैं हमको तो MLA बोलने लगे, रमाल रिजल्ट तो आ जाने दो, वोट तो पड़ जाने दो, करे हो गया आपका काम तो, ऐसे बोल रहे हैं। जिस प्रकार से आपने भिवानी का तुरबा करा वर्षों वर्ष है कि ये चुनाव है, जाति समीकरण आगे बढ़ जाता है, तो अब की बार का माहौल क्या लगता है, क्योंकि बताना काम करें। देखो हम लोग इसको इस बार जो है मुद्दों का चुनाव मान रहे हैं, नागरिक सुविधा है, रोजगार की बात है, चिकित्सा की बात है, पानी की बात है, और हमारे बच्चों के लिए भविष्य में रोजगार देने के लिए कारखाना लगाने की बात है, 14 चीज़ें जरूरी जो है लोगों को कम रेट पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से देने का सवाल है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का है, पुरानी पेंशन बहाल करने का है, महकमों का निजीकरण रोकने का है, और ये जो PSL और सहारा के वालों ने पैसे मार रखे हैं, लोगों की जेब काट रखी है, उसको वापिस लेने का सवाल है। हम तो मुद्दों की बात करते हैं, ये लोग जातिवाद की बात करते हैं, ये ढूंढते हैं कामरेड का गोत जात बताओ लोगों ने, जब 10 साल में किसी ने नहीं बताया, अब क्या जरूरत पड़गी इनको गोत जात बताने की? ये चाहते हैं कि भाईचारा तोड़ के और वो इस तरह से जात गोत बता के हम वोट ले लें। हमारी जनता समझदार है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, उनके संघर्ष लड़े हैं, हम सब जातियों के हैं, सब धर्मों के हैं, और ईब जनता ने पता लग गया यो जात पाताल आडंगा ठगी कर रही है, इनकी ठगी पकड़ी गई। बता दे एक विनती, मेरे पास काफी फोन आते हैं लोगों के, अब उन्होंने कहा कि कमल साहब को कहना कि जो फोन करा वो फोन उठा ले, आप फोन उठाया करो, बता दिया करो, वो प्रोग्राम खातर फोन करते रहा, वो फोन करो टके बारे आप पेशो अगर बढ़िया था। देखो अजय भाई, अब 4-5 दिन से दिक्कत आई है, 4-5 दिन से दिक्कत इसलिए आई है कि कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे अब कार्यक्रम हो रहा है फोन साइलेंट पर लगा रखे है, ये कार्यक्रम खत्म हो जाने दे, बच्चा भी फोन करेगा ना पहले की तरह उस तरह उठा, नहीं आप तो उठाते तो हो, हाँ। लेकिन प्रोग्राम के लिए बंदे फोन करे, प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम उठा पाते हैं, प्रोग्रामों में हाँ वो सही बात है, थोड़ी मैनेजमेंट में जो ना कमजोरी उसको दुरुस्त करेंगे और सारे प्रोग्राम की सूचना देंगे। कमल साहब, ये चुनाव के मोड ले चुके हैं और के बनेगा लास्ट वाला? देखो इस बार भाजपा हार रही है, हरियाणा में गठबंधन की कांग्रेस की सरकार आ रही है, इस बार भाजपा को लोग हराने का मन बना चुके हैं, वैकल्पिक जनहितैषी लोकतांत्रिक सरकार बनाने का मन बना लिया है, हम गठबंधन के साथी हैं, इस बार भिवानी के दिन अच्छे आएंगे तो बेहतर व्यवस्था होगी। बड़े बड़े नेता भी तो लोगों की आंखें खोलने काम करें, पर्ची काटने वाले बता दिया, फिर वो किस तरह से विचार में लेके जाएंगे बातों में? अरे वो लोग बता रहे हैं जो रोज पार्टियां बदलते हैं, कोई सिद्धांत नहीं, जो सत्ता में आए उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके बताने से क्या होता है, लोगों को पता है ना भाई, 2 साल बैंक में सीनियर मैनेजर की नौकरी करी, सब लोगों को पता है, ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, किसी से कोई पैसा लिया हो संघर्ष के नाम पर, कोई दलाली की हो, ये तो पूंजीपतियों के दलाल हैं, ये क्या बताएंगे हमको, जो ये तो ठगी करते हैं। नमस्ते, तो आपकी बार का क्या माहौल बन रहा है, किस प्रकार से, क्योंकि 10 बजे जो ये भीड़ है, यह भीड़ पेवर निग्गर है, ना तो किराया की भीड़ है, ना कोई वास्तु भीड़ है, ये सारे जो एक एक चेहरा लाख लाख वर्ग आदमी है, तो क्या मायने बन रहा है आपके चुनाव के? मनसी कॉमरेड साहब के साथ हैं सारे, कर्मचारी भी, किसान भी, मजदूर भी, सब सारे वोट देने के लिए तैयार हैं कि भी कॉमरेड साहब आके आए विधानसभा में, जाए और हमारे मुद्दे उठाए। कॉमरेड साहब आप ताली बजा दोगे आपकी वाला खिला दिया आपने खेल वाली है, ये तो आपने देख लिया होगा रात के 10:30 बजे आप बताए, किसी के बुलाए हुए नहीं है, अपना आप ही एक सारे इकट्ठे हो गए, कॉमरेड साहब आ रहे हैं भाई, हैं एक नंबर का आदमी, ईमानदार आदमी, संघर्ष करने वाला, सुख दुख में कभी रात को 12 बजे टेलीफोन करते आप कॉमरेड 12 बजे उसी टाइम जी, रात को अगर 12 बजे भी किसी आदमी ने फोन कर दिया इनके पास में, आदमी नहीं पूछता उससे पहले उस स्थान पर ये कॉमरेड साहब पहुंच जाते हैं, और ये हकीकत है, मेरे साथ भी बीती हुई है, मैंने 4 बार इनको किया, हमारे से पहले कॉमरेड साहब वहां मिले, हम लेट पूछे लेकिन ये पहले पूछे, और ये 36 बरादरी के नेता हैं, किसी जात के नेता नहीं है, और ये जीत
इनकी सॉलिड है, पक्की है, पक्की है। वो लोग कौन है जो उन्होंने पर्ची पढ़नी है, पर्ची कटनी है, बच जाओगे नहीं निकल काटोगे तो बताऊंगी। कहने का काम करते हैं ये पर्ची पाड़ने वाले लोग हैं, ये नू कर देंगे आगे तो फलाना हो जाए दिन का हो जाए। ये कितने बता सकते हैं आप? रोज देख रहे हो बीजेपी का काम क्या है, सबसे पहले जातिवाद को फैला दो। एससी वर्ग में भी देखो कितना इन्होंने, कोई क्रिमिनल को जानता था क्या क्रिमिनल है जी? आज इन्होंने क्रिमिनल किया कि नहीं किया जी? अच्छा, उसके बाद में जैसे बहन मायावती है, ये क्या नाम शैलजा है, शैलजा जी के बारे में अभी कितना बवंडर फैलाया, ये क्या कोई सही था जी? लगता है आपको सही नहीं लगता ना? तो आज भी जब से कांग्रेस बनी है और ये जब से बनी है अपने बाप के बाद से आई है दलवीर के बाद, तब से ये कांग्रेस की नेता है और कांग्रेस में ही रहेगी। तो कह सकते हैं सर आपकी बार जो भिवानी जनता है वो ना तो जाति पाति में आधार पर बैठेगी ना कहीं बैठेगी, वो आपकी बार विकास को वोट देना काम करेगा? कामरेड जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, हम रोडवेज में सर्विस करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छे नेता हैं। आपका पुराना नाता रहा होगा? बिल्कुल पुराना नाता रहा है, क्योंकि हमारे नेता रहे हैं पुराने। अच्छा, और भविष्य में हम इनके साथ हैं और सदा ही साथ रहेंगे। साथ रहेंगे चलिए, साथ वोटों में तब्दील होगा या वैसे साथ साथ रहेगा? सबसे बड़ी जीत होगी जी कामरेड साहब के हरियाणा में 90 सीटों पे। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी जीत, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया कैंडिडेट कामरेड साहब। और बिहानी को तो ये 15 साल बाद मिले हैं, 101 हुई सरकार थी, 90 सीटों में एमएलए साहब थे अपने 89। अच्छा जी, करप्ट हो सकते हैं जी? हाँ, 89 करप्ट हो सकते हैं, यानी अपन तो टू मिल गई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, टू है, बिल्कुल टू है, संभाल के रखने। बिल्कुल बिल्कुल संभाल के रखने। बिल्कुल जी हां, इनसे अच्छे नेता आज तक ना मिले ना मिले, अब तो टू में मिल गए वास्तव में शहर में, बिना मांगे मिल गए। ये जनता आई है ना, ये सारी बिना बुलाए जनता के लिए जो काम करेगा ना, जनता उसी को अपना प्रतिनिधि मानेगी। हमने जो मेहनत कर रखी है उस मेहनत के साथ इनकी एकता हमारे साथ है, और आगे भी बता दें आपको, आगे भी इन लोगों के बीच में रहेंगे हम, विधायक के तौर पर नहीं, एक भाई के तौर पर विधायक ही सारे बनेंगे जी। बिल्कुल, चलो थैंक यू जी। ये विद्यानगर और विद्यानगर के अंदर मैया रानी का मंदिर, मंदिर के पास प्रोग्राम 10:30 बज चुके, लेकिन ये है कि जो आज सर सोमवीर सांगल एक किसान आंदोलन में बात कर रहा था एमएलए दादी द्वारा, जितने सर होंगे उतनी उनकी गिनती गिनी जाएगी। कभी मैंने इनका इंटरव्यू जिस दिन टिकट मिली थी मैंने उस दिन अकेला इंटरव्यू किया था, और आज कारोबार भी बन रहा, आज चंदा भी मिल रहा, आज सर आंखों में बिठाने वाले लोग मिल रहे, तो इस तरह से अगर मिल जाएंगे तो कारोबार बन भी जाएगा और एक टूम बन के निखर के आप शहर को चार चंद लगाने का काम करेगी, आपके गले की हार बनने का बात होगी। तो जे एन सी न्यूज से अजनक दीपांशु शर्मा गया, खास रिपोर्ट विद्यानगर से।